क्या संजू सैमसन में धोनी वाली बात है? धोनी वाला धैर्य और धोनी वाला दिमाग है? कल के मैच में एक गलती ना करते संजू तो आधी रात को ऑस्ट्रेलिया जाता विमान। 11 अक्टूबर से होगी संजू की अग्नि परीक्षा, द्रविड़ रोहित चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। धोनी कोई दूसरा बनेगा ऐसा संभव नहीं है, लेकिन धोनी की तरह बन सकता है। हमारा सीधा सवाल है, कल का मैच जिसने देखा या सुना है जवाब उसी को देना है। क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन के भीतर एक धोनी है? पिछले कुछ घंटों में हजारों मैसेज संजू के नाम पर किए जा रहे हैं, लाखों लोग संजू की बात कर रहे हैं। क्या कल के मैच में जनता को वो धोनी दिख गया जिसकी तलाश नंबर 6 पर लंबे समय से की जा रही थी? कल का मैच देखकर गांगुली और द्रविड़ को क्या लगा होगा ये पता करना होगा। हम एक एक सवाल पर आएंगे, सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जिसमें संजू को धोनी का एक रूप कहा जा रहा है। भारतीय टीम को वनडे कैप्टन की तलाश है। रोहित शर्मा का करियर धीरे धीरे ढलान पर है। शिखर धवन अपनी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में अगर पांड्या को T20 का कैप्टन बनाया जाए और संजू को वनडे टीम की कमान दी जाए तो क्या आप सहमत हैं? अब विश्व कप वाली टीम गई, वहां संजू का जाना नामुमकिन सा है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी BCCI ने दी है जो विश्व कप खेलने से कम नहीं है। 11 अक्टूबर को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होगी जिसमें केरल का कप्तान संजू सैमसन को बनाया गया है। अगर वो वहां इतिहास रचते हैं तो भारतीय टीम में भी उनको इतिहास रचने का मौका 99% मिलने वाला है। IPL में जिन कप्तानों ने सबसे अच्छा किया उसमें एक नाम संजू सैमसन का है। श्रेयस अय्यर भी एक विकल्प हैं, लेकिन संजू ज्यादा धैर्यवान और समझदार होंगे। जब एक तरफ से विकेट गिर रहा था तब भी संजू एक तरफ से भरोसा दिखाते रहे। वीरेंद्र सहवाग ने तुरंत फोन किया और संजू सैमसन की तारीफ कर हौसला बढ़ाया। T20 में भारत विश्व कप में जीत सकती है ऐसी संभावना कम है, क्योंकि वहां हालात सामान्य नहीं होने वाले हैं। अगर गेंदबाजों पर भरोसा कर जीतने गए हैं तो हार की उम्मीद ही करनी होगी। कहानी के दो पहलू हैं, एक आपके हाथों में लकीर होती है, आप पंत की तरह होते हैं जिस पर सबका हाथ होता है। दूसरा पहलू संजू सैमसन की तरह होता है जिसके हाथों में लकीरें नहीं होंगी, पर वो अपनी किस्मत खुद अपनी योग्यता और मेहनत से लिखेगा। अब आते हैं BCCI में चल क्या रहा होगा। कहा जा रहा है कि BCCI और सिलेक्टर्स की सोच दो भागों में बटी हुई है। एक टीम को लगता है कि संजू संकट के समय में अच्छा नहीं कर पाएंगे, दूसरे को लगता है संजू को मौका देना चाहिए। RCB की तरफ से खेलने वाले हर्षित पटेल का खेल औसत से खराब है, फिर भी उन्हें भेजा। अश्विन को लास्ट 3 मैच में 72 गेंदों में एक विकेट नहीं मिला, उन्हें भी मौका मिला। पंत के कारण पिछले कई मैचों में कोई जीत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उन्हें मौका मिला। ये हो सकता है कि इंडिया जब विश्व कप में हार कर आए तो BCCI में कुछ फूट की खबरें सामने आ जाएं। अब आपको ऐसा एक उदाहरण देते हैं जिससे आप कहेंगे कि कप्तान और कोच को पहचान होनी चाहिए, खिलाड़ी में दम है तो वो मैच जिताएगा। दुनिया के जो 5 में से 6 बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं, उनमें एक नाम टिम डेविड का है। सिंगापुर में जन्मे टिम डेविड की किसने पहचान की? रिकी पोंटिंग की बदौलत उन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेलने का मौका मिला और आज वो खिलाड़ी अपने दम पर विश्व कप जिता सकता है। रिकी पोंटिंग मुंबई की टीम से जुड़े हैं और टिम डेविड को मुंबई ने 8.5 करोड़ में खरीदा था। ऐसे में पोंटिंग ने एक ऐसे खिलाड़ी की पहचान की जो संजू में भी है, पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ना जाने कौन सा नशा करके बैठा है। हालांकि जिसके लिए जो गड्ढा खोदा है उसमें वही गिरता है, इसीलिए संजू के साथ अन्याय अब बंद होना चाहिए और ऐसे धोनी की तरह धैर्यवान खिलाड़ी को पहचान मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।